जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ संस्कृत, यानी क्लास टेंथ संस्कृत आप लोग के पास होगा। ये संस्कृत जो है प्यूसम है, द्वितीय भागो क्लास टेंथ का है। तो आइए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है मंगलम पाठ है, आइए शुरू करते हैं। ये श्लोक है, क्या सब दिया गया है इसमें। तो प्यूसम द्वितीय भागो, यानी ये बिहार बोर्ड के लिए है क्लास टेंथ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर आप लोग के सामने हम लोग देखेंगे क्या है, लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम आगे बात करें, प्रथमा पाठ मंगलम, यानी ये मंगलम पाठ है। तो इसमें बताया गया है, आइए देखते हैं। उपनिषद वैदिक वाण्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी वैदिक मंत्र, यानी वैदिक वाण्मयस्य अंतिम भागे, यानी वैदिक मंत्र जो है, ये वैदिक मंत्र कहाँ से, उपनिषद यानी उपनिषद के अंतिम भागे, यानी अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान, यानी दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकटयन्ति, यानी क्या किया गया है, इसको प्रकट किया गया है। यानी दर्शन, ये जो उपनिषद जो है, ये क्या वैदिक जो मंत्र है, ये उपनिषद के अंतिम भाग से, यानी अंतिम भाग से, और दर्शन शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र के तो सिद्धांतान यानी सिद्धांतों को बताया गया है, प्रकट किया गया। आगे है, सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमान प्रधानतया गीयते, कहा सर्वत्र सभी जगह, सभी जगह परम पुरुषस्य यानी श्रेष्ठ पुरुष, यानी परम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष, और क्या प्रात्मन यानी परमात्मन और परमात्मा की महिमा यानी परम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का क्या किया गया है, तो प्रधानतया गीयते, उनकी प्रधानता रूपी यानी प्रधानता का क्या किया गया है, गाया गया है। आगे है, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चासित, यानी कहता तेन परमात्मना यानी उसी परमात्मा से, यानी उसी परमात्मा से जो है जगत यानी सारा संसार, जगत मने क्या संसार, यानी उसी परमात्मा से सारा संसार जो है वो क्या है, व्याप्त अनुशासित, पूरा संसार व्याप्त है और अनुशासित है, पूरा संसार क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है। आइए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, स एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, और सबों की तपस्या क्या है, सबों की तपस्या जो है वही एक क्या है, परम लक्ष्य, वही एक परम लक्ष्य है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मक पंच मंत्र संकलित संति, यानी इस पाठ में, अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका यानी परमात्मा की प्राप्ति हेतु पांच मंत्र जो है वो क्या है, श्लोका यानी पांच मंत्र जो है क्या है, श्लोक के रूप में संकलित यानी संकलित है। आइए हम सबसे पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ईशावास पढ़ेंगे, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो पांच मंत्र क्या है वो संकलित है। इसमें सबसे पहला आपको बताया गया ईशावास्य, यानी उससे बताया गया क्या है, आइए देखते हैं। हिरण्मयन पात्रेन सतस्यापितं मुखं तत्वपूषणं पाविनो सत्यधर्माय दृष्टये, यानी आपको क्या कहा गया, हिरण्मयन पात्रेन सतस्यापितं मुखं, यानी ये जो है पूषा यानी ये सूर्य, यानी कहा गया हे सूर्य क्या कहा गया, हिरण्मयन पात्रेन यानी सत्य का मुख जो है वो किससे ढका हुआ है, किस आवरण से ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्रेन यानी सोने के आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के आवरण से ढका हुआ है। और क्या कहा, तत्त्वं पूषणं पाविनो सत्य धर्माय दृष्टये, कहा इसलिए मुझे उस सत्य की प्राप्ति के लिए, इसलिए मुझे उस सत्य की प्राप्ति हेतु उस आवरण को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको ईशावास से लिया गया था, क्वेश्चन पूछता है, ये लाइन दे देगा, हिरण्मयन पात्रेन सतस्य मुखम पिहितम, और कहेगा ये किससे लिया गया, किस श्लोक से लिया गया है, तो आपको बताना होगा ईशावास से लिया गया है। आइए, अनुर्ण्यान महतो महियान, यानी अनु से अनु छोटा, यानी अनुर्ण्यान यानी छोटा से छोटा, महतो महियान बड़ा से बड़ा हो, और क्या, आत्मस्य जंतो निहितो गुहाया, यानी प्राणियों का, यानी प्राणियों की यह आत्मा जो है
प्राणियों की यह जो आत्मा है वो क्या है, तो निहितो गुहता यानी जंतो निहितो गुहायाम यानी हृदय रूपी गुहा में क्या है, बंद है, यानी छोटा से छोटा अनुर्णयान, महतो महयान बड़ा से बड़ा हो, यानी आत्मा जो है ये मनुष्य का प्राणियों का आत्मा जो है हृदय रूपी गुहा में क्या है, तो बंद है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, तो तम क्रोतु पश्यति वीत शोको, तम क्रोतु यानी तम क्रोतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमांत मना, यानी कहा ये जो है जिसके वश में नहीं है, तम क्रोतु यानी जिसके वश में नहीं किया जा सकता है, और धातु प्रसादान महित यानी महिमांत मना इस इंद्रियों को प्रभाव में यानी इस इंद्रियों को प्रभाव से विद्वानों को क्या करना, विद्वान जो है शोक रहित होकर और क्या होते हैं, उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं, विद्वान शोक रहित होकर उस देव जो है उस परमात्मा को श्रेष्ठ परमात्मा को देख पाते हैं। और क्या कहा गया, ये आपको अभी बताए हैं, ये किससे है, तो कंठोपनिषद से है, ये किससे है, कंठोपनिषद से है। और सत्यमेव जयते, सत्य की क्या होती है, जीत होती है, सत्यमेव जयते ना निरितम, और झूठ की हार होती है, सत्यमेव जयते सत्य की जीत होती है और ना निरितम यानी झूठ की हार होती है। और सत्येन पंथा वितो देवयाना, और क्या कहा, सत्य के कारण ही देवलोक, सत्य के कारण ही देवलोक जाने का रास्ता क्या होता है, तो प्रशस्त होता है यानी खुलता है, मार्ग जो है वो खुलता है। और कहा अब जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये क्या लिया गया है, ये ना कर्मन्त्यस्य हप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, कहा उस देवलोक की प्राप्ति के लिए, उस देवलोक की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषि लोग क्या करते हैं, तो ऋषि लोग हप्त कामा यानी ये ना क्या यत्र सतस्य परम निधानम उस सत्य की प्राप्ति करते हैं, ऋषि लोग उस सत्य की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। और क्या यत्र तत्र सतस्य परम निधानम यानी जहां तहां, यत्र तत्र जहां तहां क्या करते हैं, उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है, देवलोक जो है वो सबसे बड़ा क्या है, खजाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यथा नद्या सस्यान, यथा नद्या सस्यंद मानह भी यानी कहा यथा नद्या सस्यंद मानह समुद्रे, यानी क्या यथा जैसे नदियां, जैसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर किसमें, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में क्या होती है, विलीन हो जाती है, जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर किसमें, तो समुद्र में विलीन हो जाती है यानी मिल जाती है, उसी प्रकार आगे लाइन से हमको को पता चलेगा, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप कर छोड़कर कहा, तो परात्परम पुरुष में पैति दिव्यम, उस परमात्मा दिव्य श्रेष्ठ परमात्मा परम श्रेष्ठ परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, कौन, विद्वान लोग, जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम और वास्तविक रूप को छोड़कर उस वन समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग क्या करते हैं, नाम और रूप को छोड़कर और क्या, तो देवताओं में यानी परम श्रेष्ठ उस देवताओं में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं। आगे है नेक्स्ट है श्वेता यानी श्वेताश्वर से, श्वेताश्वर से लिया गया है, ये कहा गया वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्थ यानी प्रशास्त यानी कहा अज्ञानी जो है अंधकार जो है यानी वेदाह मेहतम पुरुषम महांतम यानी अन्य विद्वान जो है, जो विद्वान होते हैं वो अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं और क्या, तो महान लोग समझते हैं, मतलब आगे क्या समझते हैं, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्थ यानी प्रशास्त यानी तथा ऐसा समझकर वो लोग क्या करते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी अज्ञानी समझते हैं विद्वान लोग और ऐसा समझकर वो अपना क्या करते हैं, पार कर जाते हैं मृत्यु को। तो में विदित्वाति मृत्यु मेति, और वो मृत्यु को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। न्याय पंथा विद्यते, न्याय पंथा विद्यते विद्यते नाय
और वे जानते हैं इससे अलग जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, इससे अलग जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी मृत्यु जो है वो सबसे अंतिम रास्ता है, वो जाना सभी को मृत्यु एक दिन न एक दिन आएगी ही आएगी। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर समाप्त हुआ, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने का इच्छा करता है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।